नमस्ते बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में आने वाले कुछ सिंबल्स के बारे में हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं जिनको कि हमको समझना जरूरी है। देखिए, इस तरीके से ब्रैकेट में अगर कुछ लिखा हुआ है, जैसे ब्रैकेट के अंदर है 1, 2, 3 या ABCD या कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेट। ये ऑलरेडी क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था। इस सिंबल को हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। अगर इसको हम ऐसे कट कर दें तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर नेक्स्ट सिंबल है हमारा, इसको आप रीड करोगे सबसेट ऑफ, और अगर इसको हम कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका नॉट ए सबसेट ऑफ। फिर देखिए, ये नेक्स्ट सिंबल है, ये सबसेट ऑफ जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन थी नीचे इसके, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो अगर इसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती है तो इसको आप रीड करोगे प्रॉपर सबसेट ऑफ। फिर अगर इसको हम कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ। फिर नेक्स्ट सिंबल है आपका, इसको आप रीड करोगे सुपर सेट। अब देखिए, यहां पे भी अगर हम इसके नीचे की हॉरिजॉन्टल लाइन को हटा देते हैं तो इसको आप रीड करोगे प्रॉपर सुपर सेट। बच्चों, ये देखिए नेक्स्ट सिंबल है ऐसा फाई या दो ब्रैकेट है और उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है उसको आप क्या रीड करोगे? एम्प्टी सेट, या उसको नल सेट भी बोलते हैं, या उसको वॉइड सेट भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट सिंबल है हमारा म्यू या कैपिटल यू, तो इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। फिर देखिए, ऐसे अगर दो डॉट दिए हुए हैं या एक हमारे पास में कोई वर्टिकल लाइन है तो उसको आप रीड करोगे सच देट। फिर इस सिंबल को हम रीड करेंगे ऐसे फॉर ऑल। फिर इस सिंबल का मीनिंग होगा आपका देयर एग्जिस्ट। फिर ऐसे ये सिंबल को बोलेंगे हम कंजक्शन, और इसी का उल्टा सिंबल है, इसको आप बोलोगे डिसजंक्शन। तो बच्चों, ये कुछ सिंबल्स हैं जो इस चैप्टर में हमको यूज करना रहेंगे कहीं कहीं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। बच्चों, अब क्लास 11th में भी हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा था, तो इसको कंटिन्यू करते हैं 12th पे, लेकिन उसके पहले हम जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था उसको, उसका एक क्विक रिविजन कर लेते हैं, जिससे कि जो वहां हमने पढ़ा था वो सारी चीजें हमको वापस से याद आ जाए। तो बच्चों देखो, हमने सबसे पहले स्टार्ट क्या किया था, वहां पे सेट्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो हम देखते हैं कि सेट्स में क्या था। तो जैसे सपोज हमारे पास में एक सेट है ए, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट लिखे हुए होते थे, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेट। तो सपोज मैंने यहाँ पे दो सेट ले लिए हैं, एक हो गया आपका सेट ए और ये हो गया आपका सेट बी। ये दो सेट है हमारे पास में। अब हमने फिर पढ़ा था हमारे रिलेशंस एंड फंक्शंस में, सबसे पहली चीज जो हमने स्टडी की थी क्लास 11th में वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि दो सेट का अगर हमको प्रोडक्ट करते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है। तो उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते थे हम, जैसे ये ए क्रॉस बी, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा? तो जैसे ये हमारे पास में एक सेट ए हो गया, सेट ए के एलिमेंट है हमारे पास में 1, 2 और 3, ये देखिए, और ये है दूसरा हमारा सेट बी। सेट बी में हमारे पास में एलिमेंट क्या है? ए और बी। तो हम इसका ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखेंगे? तो इसका ऑर्डर्ड पेयर ये होगा 1A, फिर 1B,
फिर दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा आपका, टू ए टू बी, इस तरीके से बनाते थे हम वहाँ पे, टू ए टू बी। और तीसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा आपका थ्री ए थ्री बी। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। ये हमने सबसे पहली चीज वहां पे 11th में पढ़ा था, है ना, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं। फिर उसके बाद में कार्टिशन प्रोडक्ट के बाद में हमने जो नेक्स्ट चीज देखी थी वो थी रिलेशंस। तो रिलेशंस में क्या था, तो हमने देखा था कि जो हमारे पास कार्टिशन प्रोडक्ट होता है उसी के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो उसको हम बोलेंगे रिलेशंस, ठीक है। अब उसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम एक सपोज जैसे हमारे पास में ये ए और ए क्रॉस भी हमको ऑर्डर पेयर मिला है, इसी में से हम कोई रिलेशन रख लेते हैं। जैसे मान लो सपोज हमने यहाँ पे लिखा वन ए टू ए और थ्री बी, ये हम कुछ भी हमने अपने से समझने के लिए इसको रख लिया है, ठीक है। तो ये सपोज हमारा कोई रिलेशन हो गया जो क्या दिखाता है आपका, एक इस ऑर्डर पेयर में से जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट होता है इस ऑर्डर पेयर का, उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन होगा। फिर बच्चों इसमें हमने देखा था सेकंड चीज वो पढ़ा था हमने इमेज, है ना। अब रिलेशन तो समझ में आ गया कि रिलेशन क्या है, किसी भी इस ऑर्डर पेयर में से जो फर्स्ट एलिमेंट है ए का और जो से फर्स्ट एलिमेंट है आपका, सॉरी जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ए का और बी के एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन होगा उसको हम बोलेंगे रिलेशंस, ठीक है। अब इमेज क्या होता है, तो इमेज हमने देखा था कि जो भी रिलेशन में हमारे सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का, इनको हम क्या बोलेंगे, इमेज। तो जैसे हमने मान लिया कि सपोज ये हमारे पास कोई रिलेशन दिया हुआ है, ये एक रिलेशन है हमारे पास में, ठीक है। तो इस रिलेशन में हमारे पास इमेज क्या क्या हो गया, तो आप देखो यहाँ पे इमेज क्या है हमारे पास में, ए ए और बी, ये क्या हो जाएंगे हमारी इमेजेस हो गई, है ना। तो यहाँ पे इमेज क्या लिख देंगे आप, इमेज हो गया आपका एक, इसकी इमेज वन की इमेज क्या हो गई, ए हो गई, टू की इमेज यहाँ पे ए है और थ्री की इमेज क्या है आपके पास में, बी है। तो बच्चों अब हम देखेंगे डोमेन। अब देखिए डोमेन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ कि सपोज मेरे पास में यहाँ दो सेट हैं, एक सेट है अपने पास में ए और दूसरा सेट है हमारे पास बी। हम मान लेते हैं हमारे पास ए के एलिमेंट हैं एक्स वाई और जेड, और बी में हमारे पास एलिमेंट है वन टू थ्री और फोर, ठीक है। अब इसका अगर हम एक रिलेशन लिखते हैं, सपोज मैं एक रिलेशन बनाता हूँ, ये मेरा ऑर्डर पेयर हो गया एक्स वन और वाई है आपका टू और फोर, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, कैसे लिखोगे इसका रिलेशन, तो ये होगा इसका रिलेशन आर एक्स वन वाई टू और वाई फोर। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो जेड है इसको मैंने कहीं कंसिडर नहीं किया हुआ है, ये हमारा रिलेशन में नहीं आ रहा है। और इधर हम हमारा सेट भी देखें तो यहाँ पे जो थ्री है ये भी हमारा रिलेशन में कहीं नहीं आ रहा है। तो हमारा रिलेशन है एक्स वन वाई टू और वाई फोर, ठीक है ना। आप अगर मैं बोलूँ इसकी इमेज क्या क्या है, तो आप बोलोगे कि सर इस एक्स की इमेज वन है, वाई की इमेज टू है और इस वाई की इमेज फोर है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी डोमेन की, कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा। तो देखो हमारे पास जो सेट ए है, सेट ए के क्या 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 एलिमेंट है हमारे पास, तो हमारे पास सेट ए में एलिमेंट है एक्स वाई और जेड। तो डोमेन हमने पढ़ा था
कि सेट ए के वो एलिमेंट जो हमारे रिलेशन में आते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट रिलेशन में आ रहे हैं, तो देखिए एक्स आ रहा है और वाई आ रहा है, लेकिन जेड यहाँ पे रिलेशन में नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा डोमेन क्या होगा, हम डोमेन क्या लिखेंगे इसमें, तो इस रिलेशन में हमारा डोमेन हो जाएगा एक्स और वाई, जेड को हम डोमेन कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, याद आ गया आपको? तो ये हो गया हमारा डोमेन, है ना। डोमेन में आप क्या करोगे, जो भी हमारे सेट ए के एलिमेंट्स रिलेशन में होंगे वो सब हो जाएंगे आपके डोमेन। फिर नेक्स्ट चीज थी हमारी रेंज। रेंज क्या था? तो रेंज में हमने देखा था कि जो भी एलिमेंट हमारे सेट बी के एलिमेंट रिलेशन में होंगे वो क्या होंगे, आपके रेंज होंगे। तो आप देखो ये रिलेशन है हमारा, इसी एग्जांपल को हम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में सेट बी, सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है, 1, 2, 3 और 4। लेकिन इन 1, 2, 3, 4 में से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो रिलेशन में आ रहे हैं, तो 1 आ रहा है, 2 रिलेशन में आ रहा है और 4 आ रहा है, 3 यहाँ पे रिलेशन में नहीं है। तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी, रेंज आप लिख दोगे 1, 2 और 4। बात क्लियर है सब लोगों को? फिर नेक्स्ट चीज होती है हमारी कोडोमेन। हमने क्या पढ़ा था वहां पे, कोडोमेन के बारे में पढ़ा था। तो कोडोमेन क्या होते हैं, तो कोडोमेन में सेट बी में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, आपके कोडोमेन। जैसे यहाँ सेट बी में कौन कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 और 4। अब इसमें चाहे वो एलिमेंट रिलेशन में आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट होंगे सेट बी के वो सारे हो जाएंगे आपके कोडोमेन। तो कोडोमेन में आप क्या क्या लिख दोगे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। जो भी हमारे सेट बी के जितने भी एलिमेंट थे वो सब क्या हो जाएंगे, आपके कोडोमेन। तो बच्चों इतनी बात आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए तो वहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कोडोमेन के बाद, फंक्शंस। तो हमने देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि एक स्पेशल टाइप का जो रिलेशन होता है उसको हम फंक्शन बोलते हैं। अब फंक्शन की एक कंडीशन थी, वो क्या थी, या हमारे उसकी डेफिनेशन थी, वो थी कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो क्या फंक्शन की डेफिनेशन थी कि, या उसकी कंडीशन क्या थी, तो कंडीशन ये थी कि सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, कि जितने एलिमेंट सेट ए में होंगे उनकी एक यूनिक इमेज, मतलब उनकी सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। ठीक है, कैसे, इसको समझने के लिए मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ रिलेशन लिख रहा हूँ, जैसे एक रिलेशन है हमारे पास में x1 y2 y3, इसको मैंने नाम दे दिया R1। दूसरा रिलेशन में मान लेता हूँ R2, 2 1 3 1 4 2, एक रिलेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हम मन से बना के कुछ भी लिख रहे हैं ताकि इन एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। और एक रिलेशन हमने ये लिख दिया, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, ठीक है।
यहाँ पे मैंने कुछ रिलेशंस लिखे हुए हैं, अब इनको देख के हम समझते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है फंक्शन की, तो फंक्शन की डेफिनेशन है कि सेट ए के जितने एलिमेंट हैं उनकी एक एक ही सिंगल इमेज होना चाहिए सेट बी में, है ना, या हम उसको बोलें कि उसकी एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ एक्स की इमेज कितनी है, 1 है, वाई की इमेज कितनी है यहाँ पे, 2 है, और वाई की इमेज 3 है। अब आप देखो यहाँ वाई की इमेज 2 भी बन रही है और वाई की इमेज 3 भी बन रही है, तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी हमारी, फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, कि जितने एलिमेंट सेट ए के हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, y की 2 इमेज बन रही है, एक तो y की इमेज 2 हो रही है और दूसरी है y की इमेज 3, इसलिए फंक्शन होगा क्या, तो इसलिए फंक्शन नहीं होगा, इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। अब दूसरा सेट देखते हैं हम, दूसरा रिलेशन क्या दिया है हमारे पास में, तो सेकंड रिलेशन है हमारे पास 2 1 3 1 4 2। अब आप देखिए यहाँ पे 2 की इमेज कितनी है, 1 है, 3 की इमेज 1 है और 4 की इमेज 2 है। तो देखो 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, है ना, अब 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 और 4 की इमेज 2, तो जितने एलिमेंट, अब एलिमेंट ए के क्या क्या एलिमेंट हो गए, 2 3 और 4, इन सब की ही यूनिक इमेज बन रही है, इसलिए ये क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। अब आपके पास एक डाउट आ रहा होगा ये कि सर यहाँ पे भी 1 आ रहा है ये इमेज और इसकी भी इमेज 1 है, तो फिर ये फंक्शन क्यों है, तो फंक्शन इसलिए है कि हमारे पास कंडीशन क्या है कि सेट ए के एलिमेंट की 1 इमेज होना चाहिए। तो देखो ये 2 की इमेज 1 है और यहाँ पे 3 की इमेज 1 है ना, दोनों ही जो एलिमेंट हैं सेट ए के वो अलग अलग हैं, इसलिए ये फंक्शन है ना, तो इमेज आपकी 1 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी यूनिक इमेज बनना चाहिए, मतलब 2 की इमेज 1 है और 2 की इमेज कुछ और होती तो फिर हम इसको जो है फंक्शन नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 की इमेज 1 है और 3 की इमेज 1 है, इसलिए हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, इस रिलेशन में 2 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 4 है, ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे 2 की इमेज 2 बन रही है और 2 की इमेज 4 भी बन रही है, तो इसलिए फंक्शन होगा क्या, तो इसलिए फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपनी कंडीशन यही थी कि सेट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, लेकिन यहाँ तो 2 की 2 इमेज बन रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। फिर इसको देखते हैं, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6 और 6 की इमेज 7। तो देखिए जितने भी एलिमेंट हैं सबकी एक यूनिक इमेज बन रही है, इसलिए फंक्शन होगा। तो बच्चों ये भी हमने देखा, जो भी बेसिक्स हमने जो क्लास 11th में पढ़ा था उसका एक इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्लास 12th की तरफ जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर में अब हम पढ़ने वाले हैं आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशन कि कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। कुछ फंक्शंस हमने क्लास 11th में भी पढ़े थे, उसको मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया हुआ है, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हम पढ़ेंगे इसमें, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, और साथ में हम पढ़ेंगे इसमें इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, और लास्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा बाइनरी ऑपरेशंस,